हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो पे हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो दो है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के जो प्रश्नावली 2.2 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये इसका पार्ट वन है। चलिए बच्चों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार की जगह दो बार पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में दे रखे होंगे, उसको पढ़ के हमें सिंप्लीफाई करके लिखना होगा, फिर उसको सरल करके हमें मान निकालना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन सबके सब आसान है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। सो बेटा देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो हम मानते हैं बेटा, माना माना वह संख्या, माना वह संख्या x है, ठीक है। माना वह संख्या क्या है, x है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बेटा क्या बोला गया वो हम करते रहेंगे। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसको अप्लाई करना है। प्रश्न में बोला गया है किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, किसी संख्या मतलब जो संख्या आपको दे रखी है, संख्या हमारे पास क्या है बेटा, x, कितना घटाना है 1/2 घटाने पर। परिणाम को मतलब x में से 1/2 घटाया जो आया, परिणाम बोला तो मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, उसको किससे गुणा करना है, 1/2 से गुणा करना है, तो कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो हल करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक्स का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले क्या हल होता है बेटा, ब्रैकेट, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ हो जाती हैं, है ना, फिर इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ होती हैं, तो 2 × 1 = 2, 2 को एक्स से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x, 1 × 1, ठीक। और यहाँ क्या है बेटा, 1/2, 1/4, सॉरी 8, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है जब भिन्न होता है ना, ऊपर ऊपर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है। देखो यहाँ पर संख्या क्या है बेटा, 2x-1 और यहाँ पर 1 है। 2x-1 को जब मैं 1 से गुणा करूँगा तो क्या होगा, 2x-1 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है। और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ क्या है बट्टे में 8, ठीक है बेटा। सो एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है बेटा, आप नीचे नीचे काट सकते हो, 4 × 4, 4 × 2 = 8। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया था तो बेसिक पे आ जाओ, यहाँ 4 × 1 इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, तो ऐसे ही समझ लो, 2x-1 यहाँ पे गुणे में आ जाएगा 4, है ना, नीचे से ऊपर आ गया, 4 × 4, 4 × 2 = 8, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे हल कर रहे हैं, इस तरफ बचा 2x-1, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 × 1, नीचे कितना है बटा 2, ठीक है। देखो बच्चों, इधर माइनस का 1 है, वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लोगे, लॉस ऑफ, फिर से 2 आ जाएगा, 2 × 2, 1 की गुणा 1 से होगी 1, 2 × 2, तो ये आ जाएगा 3/2, और यहाँ है 2x, 2 इधर गुणे में है, इस तरह का क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में हो जाएगा, बट्टे में आ गया, बट्टे में आएगा तो गुणे में लग जाएगा, ठीक। ऊपर 3 है, 2 × 2 = 4, तो आपका जो उत्तर होगा बेटा वो कितना होगा, 3/4 होगा, अर्थात वो संख्या कितनी है बच्चों, 3/4 है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो बेटा एक बार रिपीट करके देख लेना। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। आयत बनाने के लिए बोला है तो मैं आपको आयत बना के दिखाता हूँ। आयत जानते हैं ना बेटा, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में आमने सामने की लंबाई और आमने सामने की जो दूरी होती है वो बराबर होती है, उसे हम आयत कहते हैं। बेसिकली ये हमारा क्या है बेटा, ये इसे हम बोलते हैं लंबाई, ये लंबाई है, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस
चौड़ाई, चौड़ाई क्यों लिख रहा है, चौड़ाई कह रहे हैं आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। किस पर निर्भर कर रही है लंबाई? चौड़ाई पर। तुम हम क्या कहेंगे बेटा, माना चौड़ाई को ही मानेंगे, जिस पर निर्भर करती है ना बच्चा उसी को माना जाता है, माना चौड़ाई एक्स है, चौड़ाई को हमने एक्स मान लिया, तो प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगी? प्रश्नानुसार जो लंबाई होगी बेटा वो क्या बोला, चौड़ाई के दुग चौड़ाई से 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, चौड़ाई का दुगुना यानी कि 2x से कितना अधिक है, 2 मीटर अधिक है, मीटर है ये सब, ठीक है इसके मात्रक मीटर में है, ठीक है। कह रहे हैं इसका परिमाप 154 मीटर है, क्या दिया है बेटा, दिया है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बेटा हमें कितना दे रखा है, 154 मीटर। अब आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है बेटा, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, सूत्र तो पता ही होगा आपको, और ये इधर 154, इधर 2 गुणे में है, इधर आगे बट्टे में आ जाएगा कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 14 हो गया, 2 सत्ते 14। तो अब यहाँ मैं लंबाई और चौड़ाई की मान रखूँगा, लंबाई का मान हमारे पास है 2x+2 और चौड़ाई का मान हमने क्या माना था, एक्स माना था, बिल्कुल इधर क्या है बेटा 77 है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2x और x यहाँ हो जाएगा बेटा 3x और यहाँ पर है 2, इधर है 77, प्लस का 2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, सो 3x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 75, 3 इधर गुणे में है उस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा बट्टे में, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 बचे 15, तो x का मान आ गया 25। x आपने किसको माना था, चौड़ाई को, अर्थात चौड़ाई आपको मिल जाएगी 25 मीटर, इसलिए लंबाई क्या होगी बेटा, सूत्र ये है ना बेटा, लंबाई ये था हमारे पास 2x+2, x का मान कितना है बेटा 25 और प्लस में कितना है 2, 25 दूनी 50 + 2 यानी कि 52 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था आप खुद बताइए बच्चों, हो गया आराम से बेटा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा एक बार दोबारा देखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं एक सम द्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से ही 2/5 सेंटीमीटर है, इसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो बेटा कैसा त्रिभुज है, सम द्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो बेटा मैं आपको त्रिभुज बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज है, उतना खास तो बना नहीं है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, कैसा त्रिभुज है बेटा, ये सम द्विबाहु, द्वि का मतलब 2, जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो, सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। सो हमें क्या दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो 4/3, आधार बट्टे मतलब ये वाला नीचे वाला 4/3 सेंटीमीटर है, और परिमाप क्या दे रखा है, त्रिभुज का जो परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15 है ना, जो बराबर भुजा है बेटा उसको तो मान लो, अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है, अगर ये भुजा x है तो वो भी x होगा, परिमाप क्या होता, बाउंड्री, इतना प्लस इतना प्लस इतना, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, इतना, ठीक है बेटा। सो देखो इसको हल करते हैं, तो x+x+4/3, इसको हल कर लो, 15 × 4, 15 × 4 = 60, और ऊपर जो होता है वो जुड़ जाता है 2 और नीचे में 15, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा बेटा 2x, 4/3 इधर आ जाएगा 62/15,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। इधर तो 2x है, ये 62/15 प्लस के 4/3, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 4/3। लॉस ऑफ निकालना आता होगा बेटा, लॉस ऑफ कितना होगा, 15। 15 एकम 15, एक को 62 से गुणा करेंगे, 62 तीन ही 5 15 भाग देते हैं, पहले 5 बार गया, 5 चौके 20, ऊपर गुणा होती है। अब 62 में से 20 घटाओगे तो आ जाएगा 42/15, और इधर कितना है बेटा, 2x। ठीक है, 15 ये 2 गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में गुणे में लगेगा, 2 दुनी 4, 2 एक कम। ठीक है, अब 3 से कटेगा, 3 ही 5 15, 321, तो x का मान आ गया 7/5। सो दोनों बराबर भुजाओं का जो मान होगा बेटा वो कितना होगा, 7/5 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था बेटा, आप खुद देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्या है बेटा, तो एक छोटा एक बड़ा तो होगा ही होगा, तो मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। योग का मतलब जोड़ना। अब जब दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा प्रथम शर्तानुसार। पहले शर्त में क्या बोला जा रहा है, प्रथम शर्तानुसार दोनों संख्याओं का योग 95 है, यानी कि बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 95 आएगा। ठीक है, फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यानी कि बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या घटाएंगे तो उनका जो अंतर होगा वो कितना होगा, 15 होगा। समझ रहे हो बात, अधिक है ना, यानी कि बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या घटाई जाएगी तो कितना अंतर आएगा, 15 आएगा, 15 अधिक है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इन दोनों को हल करो। ठीक है, इन समीकरणों को हल करना आना चाहिए। अब कैसे हल किया जाता है, वैसे तो ये कक्षा 9-10 से स्टार्ट हो जाता है, बट आपके पी भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, पहला वाला समीकरण क्या है बेटा, x प्लस वाई बराबर 95, और दूसरा बेटा x माइनस वाई बराबर 15। ठीक है, जोड़ेंगे। देखो अगर y को हटाना है, विपरीत चिन्ह होने पे जोड़ते हैं, प्लस का y माइनस का वाई कटा, x और x क्या हो जाएगा बेटा, 2x। 5 और 5 10, हासिल लगाए 9 1 10 और 1 11, ये 2 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, 2 5 10, 2 5 10। तो जो x का मान है बेटा वो 55 आ गया, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है वो कितनी है, 55 है। x का मान उठा के आप कहाँ रख दो बेटा, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। 1 क्या है बेटा, वो लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 95, x का मान है 55, प्लस का 55 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 55। 5 में से 5 घटेगा 0, 9 में से 5 घटाएंगे 40। ठीक है, सो ये दूसरा, छोटी वाली संख्या 40 आ गई और बड़ी वाली संख्या 55 आ गई, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में, देखो बेटा जब भी अनुपात वाले प्रश्न इस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बहुत। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, प्रथम संख्या 5x होगी और द्वितीय संख्या 3x होगी, इस तरीके से x x लगा दिया जाता है यहाँ इस चीज को देख के,
ठीक है, इस चीज को देख के। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि उनका अंतर, मतलब अंतर बोले तो घटाना, अंतर बोले तो घटाना। अगर बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या को घटाते हो तो कितना आता है बेटा, 18। 5x में से 3x घटाओगे 2x आएगा, 2 × 18, 2 × में इधर बट्टी में आ जाएगा, तो x का मान आ गया 9। वही हमें चाहिए था, वही हमें चाहिए था। अब यहाँ लिखोगे अर्थात प्रथम संख्या, प्रथम संख्या हमारा क्या है, 5x, x का मान है 9, 5 × 9 = 45, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 45। फिर हमें द्वितीय संख्या क्या थी, 3x, x का मान रख दो, गुणे में संबंध होता है ना, 9 है 9 × 3 = 27, तो जो द्वितीय संख्या होगी बेटा वो कितनी होगी, 3x। तो आज के इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। मैं ज़्यादा कराऊंगा तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, समझने में नहीं आएगा। ये 5 क्वेश्चन पहले अच्छे से देखो, समझो, रिवीजन करो, कॉपी में लिखो, ठीक है। जैसे ही आ जाए बाकी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे ही। बाकी वीडियो के लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी वीडियो हम कक्षा 6 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। चैनल बने हो तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।